नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूछा। खबर रीवा से है, जहां न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आरोपी दो मंजिल न्यायालय भवन से कूदकर पुलिस की कस्टडी से हथकड़ी सहित भाग निकला। तभी अचानक कुछ पत्रकार रास्ते से निकल रहे थे तो देखा कि हथकड़ी सहित एक आरोपी भाग रहा है। जिसका पीछा किया तो आरोपी सड़क में गिर गया। तभी एक अधिवक्ता ने पकड़ लिया और उसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने न्यायालय ले जाकर आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया। भागने वाला आरोपी अभिषेक बताया गया है, जिसे मनगवा पुलिस के द्वारा पकड़ कर न्यायालय में पेश किया गया था, जो मौका पाकर भाग निकला था। वही जानकारी के मुताबिक आरोपी होली मनाने दोस्त के साथ ससुराल आए युवक शुभम सोंधिया की लाठी मारकर हत्या कर दी थी, जिसे पकड़कर पुलिस न्यायालय में पेश करने आई थी। और तभी आरोपी मौका पाकर कोर्ट से भाग निकला और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान रास्ते से निकल रहे लोगों ने युवक के हाथ में हथकड़ी लगी देखी और शोर मचा दिया, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बैठा बीच में राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।